The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइम बॉम्ब की जो आपके शरीर में हो सकता है, जो लिटरली आपकी जान भी ले सकता है अगर वो किसी बड़े साइज की खून की नसों में हो। तो ये है एक गुब्बारा, एक बलून जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप का वर्ड है एन्यूरिज्म। ये एक कह लीजिए इसको एक बलूनिंग है, एक बलून या वाइडनिंग हो रही है एक पार्ट ऑफ आर्टरी। ये खून की नस है। खून की नस जब उसका एक हिस्सा जैसे कि अगर फूल जाए, फूटने लगे मान लीजिए, तो वो वीकनेस हो सकती है, उसके एक वॉल में वीकनेस हो सकती है। मान लीजिए ये बलून है, ये खून की नस है। इस खून की नस में मान लीजिए ये इतना हिस्सा, सिर्फ जोरा सा हिस्सा ऐसा फूल जाए, गुब्बारा बन जाए, तो ये फूट सकता है। ये फूटने लगे, यहाँ से कमज़ोर हो जाए और वो गुब्बारा बन जाए। सो दैट विल बी कॉल्ड एन्यूरिज्म। सो एन्यूरिज्म इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड इट कैन बी वॉल थिन होगी तो प्रेशर की वजह से फूल जाएगी और फूलते 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 इट कैन बर्स्ट एनी टाइम। एंड इट इज़ एन आर्टरी, ये खून की नस है जो लेके जा रही है, आर्टरी है। तो आर्टरी जब फटेगी तो जान ले सकती है, आर्टरी फटेगी तो जान ले सकती है। मीन्स इतना ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग कहाँ होगा नहीं कह सकते, जहाँ आर्टरी है। ब्रेन में है तो ब्रेन ब्लीड, दैट कैन बी लाइक सेरिब्रल एन्यूरिज्म ब्रेन के अंदर हो तो, और अगर मान लीजिए पेट में हो इंटेस्टाइनल एन्यूरिज्म या मेसेंट्रिक आर्टरी है, वहाँ पे एक खून की नस है जिसमें एन्यूरिज्म हो सकता है। स्प्लीन में जाने वाली स्प्लीनिक आर्टरी में एन्यूरिज्म हो सकता है। थोरैसिक एब्डोमिनल अयोटा के अंदर अयोटिक एन्यूरिज्म बहुत कॉमन है, और घुटने में भी पॉपलीटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म हो सकता है, वेरी वेरी कॉमन प्लेसेस। अब क्यों होता है ऐसा, होता ही क्यों है ऐसा, क्या है? वॉल में वीकनेस है माना, लेकिन क्यों है वॉल में वीकनेस? इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली कौन सा कारण है। कुछ केसेस में बाय बर्थ, बचपन से ही कंजेनाइटली बनावट ही ऐसी, क्या कर सकते राइट। कुछ गुब्बारे खराब आते हैं, कुछ बनावट ही ऐसी आ सकती है कि भाई खून की नसें किसी की ऐसी निकल गई हैं, जय माता दी, क्या कर सकते हैं। इट माइट बी अ डिफेक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, बट देर आर सम केसेस जो आपकी दिक्कत बढ़ा देंगे, रिस्क बढ़ा देंगे, प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। क्या? हाई ब्लड प्रेशर, विथ एन एन्यूरिज्म फूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग अगेन इसके रिस्क बढ़ा देगा, एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ा देगा। हाई ब्लड प्रेशर का एब्डोमिनल एओर्टा के एन्यूरिज्म पे बहुत बड़ा रोल है, और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल जो बिल्डअप होता है आपके खून की नसों में, वो भी कुछ प्रकार के एन्यूरिज्म्स का कॉज बन सकता है। ऑब्वियसली जेनेटिक कंडीशंस, जैसे अगर कोई आपको फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है, मतलब जिन चीज़ों से खून की नसें बनी हैं, दो मसल्स हैं और फाइबर्स हैं, फाइब्रोमस्कुलर, अगर वहाँ पर डिस्प्लेजिया मतलब सही से नहीं बनी है, पूरा कवर नहीं हुआ है, तो दैट वॉल वीकनेस हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट। एंड देर इज वन मोर रीजन, प्रेगनेंसी। यस, प्रेगनेंसी इज लिंक्ड टू द फॉर्मेशन एंड रप्चर ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी एनोरिज्म। स्प्लीन में जाने वाली आर्टरी के अंदर एनोरिज्म प्रेगनेंसी के साथ देखा गया। अब उसका कारण है नहीं है ये नहीं पता, लिंक्ड बस इतना है, अभी इतना बोल सकते सिम्टम। अब एन्यूरिज्म होगा तो आपको क्या होगा, एन्यूरिज्म कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा। एन्यूरिज्म अगर बॉडी के सरफेस पे है, कहीं पर भी, पेट में या पेट के ऊपरी हिस्से में है, या ऐसी कोई जगह है जो बाहर से फील हो सके, तो एन्यूरिज्म आपको ऐसा स्वेलिंग जैसा दिखेगा और थ्रॉबिंग दिखेगा उसमें, क्योंकि आर्टरी में पल्सेशन फील होती है। आर्टरी में आप यहाँ पल्सेशन देख सकते हो तो वहाँ पर भी देख सकोगे एन्यूरिज्म में। अगर पेट में बड़ा आ रहा है तो हो सकता है एब्डोमिनल एओर्टा में बड़ा सा एन्यूरिज्म है राइट। और अगर ब्रेन में है तो, ब्रेन में या बॉडी के अंदर है तो हो सकता है उसमें बाहरी कोई सिम्टम ना हो, जब तक वो फटे ना, जब तक वो फटेगा तो सीधा खतरनाक प्रॉब्लम करेगा। अगर बड़ा होते, बस इतना है कि ब्रेन में बड़ा होते होते ये आपकी आईज के अगेंस्ट दबा सकता है, तो आई के नर्व्स को दबा रहा है तो उसमें डबल विजन आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। कुछ एन्यूरिज्म से आपको कान में रिंगिंग भी हो सकती है, इसलिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में आपका एमआरआई किया जाता है कि भाई कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, एन्यूरिज्म है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, टीबी है, कोई कीड़ा है, जी हाँ वो सब दिख, वो होते हैं ब्रेन में, तो ये सब दिख जाए।
अगर फटा, एन्यूरिज्म फटा, तो फिर देर विल बी पेन, देर विल बी लो ब्लड प्रेशर, बिकॉज ब्लड आपकी सर्कुलेशन से बाहर आएगा। पेट में तो बहुत जगह है, पर ब्लड ही बाहर है, तो हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर गिरने लग जाएगा, चक्कर आने लगेगा। और ब्रेन में फटा तो सडन सिवियर हेडेक होने लगेगा और वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ वाला हिसाब होगा, एंड यू विल हैव अ रिस्क ऑफ कोमा और डेथ। कोमा में जा सकते हो, डेथ में, और बहुत हाई रिस्क है अगर रप्चर होता है ऐसा। तो पेट का एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म और ब्रेन का एन्यूरिज्म सबसे खतरनाक, एओर्टा। और ये तो इसको देखें कैसे, इसको पकड़े कैसे, पकड़ने के लिए, देखने के लिए यू नीड सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, एमआरआई, एमआर एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एंजियोग्राफी। ये सारी चीज़ों से इसको देखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सी जगह है। जहाँ पे अल्ट्रासाउंड जाता है वहाँ से अल्ट्रासाउंड से आइडिया मिल सकता है, मान लो हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी करते हुए आइडिया मिल सकता है। दीज आर द थिंग्स। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड लोकेशन ऑफ दैट एन्यूरिज्म। हो सकता है आपके डॉक्टर जो हैं सिर्फ आपको बोले ठीक है एन्यूरिज्म है, कुछ नहीं करना, जब तक अगर वो बड़ा नहीं होता तब तक देखेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, अगले 1-6 महीने बाद आओ, अगले साल आओ, फिर बाद में टेस्ट फिर से करके देखेंगे। अगर आपका एन्यूरिज्म बड़ा हो रहा है, थिन है, और वो बहुत रिस्की है, बहुत कुछ चीज़ को दबा रहा है, कोई सिम्टम कर रहा है, तो सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी कौन से टाइप की होंगी वो डिपेंड करेगा, एन्यूरिज्म कहाँ है, कितना बड़ा है, वहाँ तक पहुँचना कितना आसान है, इन सब चीज़ों में। सर्जरी में ऑब्वियसली ओपन करके एंडो, ये भी किया जा सकता है खोल के, और कभी कभी सीधा सीधा एंडोवैस्कुलर यानी कि खून की नसों से ही जाके क्लॉट बना दिया जा सकता है। खून की नसों से क्लॉट बना के पता चल जाता है, ठीक है अभी आके देखता हूँ उसको, ठीक है। खून की नसों से ही आके क्लॉट बना के पता चल जाता है, क्लॉट बना दिया जा सकता है, एम्बुलाइजेशन बोलते हैं, एंडोवैस्कुलर एंडोवाइजेशन, यानी खून के नसों में जाते हैं और जो एक बलून सा बना हुआ होता है उसके अंदर एम्बुलस बना देते हैं, मतलब उसके अंदर क्लॉट बना देते हैं, या फिर उसके अंदर एक कॉइल डाल देते हैं या स्टेंट डाल देते हैं, छल्ला डाल देते हैं। ये क्या करता है, एन्यूरिज्म के अंदर क्लॉट बन जाता है, फिर तो एन्यूरिज्म के अंदर ब्लड ही नहीं जाता और वहाँ वो फटने का रिस्क खत्म हो जाता है ना। तो दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक। वो डिपेंड करेगा वहाँ तक पहुँच सकते नहीं पहुँच सकते, डिपेंड, और मिला कितना बड़ा है, अगर उसका एक उसके अंदर मतलब रुकने की जगह है कि नहीं है। एक अगर वो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा ऐसा फटा हुआ है जिसके अंदर स्टंट रुकेगा ही नहीं तो फिर कर ही नहीं सकते। अगर उसमें उसकी नेक है तो अंदर डाल के स्टंट भर दिया तो क्लॉट बन जाए। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। आपके केस में हो सकता है नहीं हो सकता है ये आपके डॉक्टर बताएंगे, राइट, जिन्होंने डायग्नोस किया, जिन्होंने बताया। आप ये क्या करता है, ऐसा क्लॉट करने से आपके एन्यूरिज्म के फटने का रिस्क कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ब्रेन एन्यूरिज्म्स को हैं उसको क्लिप भी कर सकते हैं बाहर से ऑपरेट करके, उसको जैसे मान लीजिए उसकी ऐसी ओपनिंग है गुब्बारे की, उसको क्लिप कर दिया कि उसमें ब्लड ही ना जाए, फिर तो वो फट नहीं सकता, राइट, दैट इज़ नॉट, लीक हो सकता है अगर क्लिप सही से नहीं रखें, लेकिन इट इज़ मोर लाइकली कि वो नहीं होगा। पेट में जब होता है, एब्डोमिनल एओर्टा जब होता है, एओर्टा में क्या है, वो बड़ी सी नस है, बड़ी इतनी मोटी मोटी नसें हैं, और उस मोटी नस में मान लो ऊपर से नीचे तक ऐसा है कि इतना बड़ा एन्यूरिज्म है, वहाँ कोई स्टंट भी नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता। तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको बाहर से रीइन्फोर्स करते हैं, बाहर से कवरिंग देते हैं उसको, कई बार उसमें प्रोस्थेसिस लगाते हैं, कुछ लगाते हैं कि वो फटे ना, क्योंकि वो एक बड़ी सी नस है आपकी, राइट, दोज आर द थिंग्स। कई बार फिर वो सर्जरी में रिप्लेसमेंट भी होता है, पूरा का पूरा एओर्टिक पार्ट रिप्लेस करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट दैट योर सर्जन विल टेल यू कि आपके केस में अगर आपको एन्यूरिज्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। अल्टीमेटली याद रखिए, कोई भी थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, कहीं भी लंप है जो फील हो रहा है, तो आप टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड से लेकर सीटी स्कैन से एमआरआई तक, एन्यूरिज्म को पकड़ने के काम आएगा। प्रिवेंशन में कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, उससे कुछ प्रकार के एन्यूरिज्म प्रिवेंट हो सकते हैं। अच्छी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी रखिए, उन चीज़ों से कुछ तरीके के एन्यूरिज्म्स कंट्रोल में आ सकते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ने से एन्यूरिज्म रिस्क कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, आई होप आपको समझ आया है एन्यूरिज्म क्या है, ये गुब्बारा आपकी जान ले सकता है। तो एन्यूरिज्म कैन बी देयर इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो प्लीज शेयर दिस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।